हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो सेशन में। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन नॉवल, हार्ड टाइम्स। तो दोस्तों, लॉकडाउन के इस हार्ड टाइम में मैं आपके लिए आज डिस्कस करने जा रहा हूँ हार्ड टाइम्स। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बहने वाले हैं। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हार्ड टाइम जो पब्लिश हुआ था, सबसे पहले बात करेंगे, ये 10वां नोवल है ओवरऑल जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। इसको पब्लिश किया गया था 1854 में, और इसको दो टाइप से पब्लिश हुआ था, पहला बुक फॉर्म में और दूसरा सीरियलाइज्ड फॉर्म में। दोस्तों, दोनों ही को 1854 में पब्लिश किया गया था। इसका ओरिजिनल टाइटल होगा फॉर दीज टाइम्स, और ये जो है एक जो सोशल क्रिटिसिज्म है उस पर बेस है। विलियम, माफ करना, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन होते हैं दोस्तों, उस पर ये पूरी तरह से बेस है। और ये जो उनके द्वारा इससे पहले और इसके बाद में जो भी नोवेल लिखे गए हैं, उनमें दोस्तों सबसे छोटा नोवेल है। इसी से बेस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक। और तो पहला दोस्तों प्रश्न आपका हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिसीज फादर्स डॉग। फ्रेंड्स, इसमें एक करेक्टर है सिसी, जिसको जिसका जो पूरा नाम है वो सिसिलिया ज्योप है। तो उसके जो पिता का एक कुत्ता है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मैरी लेग्स। क्वेश्चन नंबर टू आपका होगा, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर ग्रेडग्रिंड्स फिलोसफी। जो मिस्टर ग्रेडग्रिंड्स की फिलोसफी है, उसका मुख्य जो प्रिंसिपल है वो क्या है? आंसर होगा दोस्तों फैक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, मिसिज पैगलर इज द मदर ऑफ विच करेक्टर। मिसिज पैगलर भी एक करेक्टर है इस प्ले में, मैंने उसको पढ़ा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। आप चाहें तो इसकी समरी पर वीडियो मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाउंडर बाई। हु रॉब्स द बैंक। इसमें बैंक डकैती होती है, तो दोस्तों बैंक को कौन लूटता है? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टॉम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पुअर कॉकटाउन फैक्ट्री। तो जो पुअर कॉकटाउन फैक्ट्री है, तो उसके जो पुअर वर्कर्स हैं, उनका जो है कॉमन नेम क्या है? तो दंगाइज ऑप्शन नंबर बोलेंगे कि सी हैंड्स आपका करेक्ट होगा। सिक्स, सिसीज बिलीव्स हर फादर एबंडेंड हर फॉर व्हाट रीजन। यानी सिसी किस तरह से बिलीव करती है कि उसके पिता ने उसको किस कारण के रूप में छोड़ा है? तो आंसर दोस्तों होता है आपका हर ऑन बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि अपना उसका एक अपना इंटरेस्ट था, तो उसके लिए उसके फादर ने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नोवल। पूरे नोवल के समय में किस करेक्टर की मृत्यु होती है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेवन और ऑप्शन नंबर बी, मिसिज ग्रेट ग्रिंड आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट होगा, हु इज द किडन मिनिस्टर। दोस्तों, किडन मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पर जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सर्कस वर्कर हु ड्रेस अप एज क्यूपिड। नंबर नाइन, व्हाट डज रैकियल फाइंड इन द लीड्स हर टू बिलीव स्टेफन हैज बीन मर्डर्ड। यानी कि व्हाट डज रैकियल फाइंड, रैकियल क्या पाता है, क्या ढूंढता है? द लीड्स हर टू बिलीव स्टेफन हैज बीन मर्डर्ड। यानी कि जब वो उसके जो स्टेफिन्स को जो मर्डर्ड किया कर दिया जाता, तो उसमें उसको क्या मिलता है? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हिज हेड अबंडेंट इन ए फील्ड। हाउ डज स्टीफन डाई, स्टीफन की मृत्यु किस प्रकार होती है? तो योर आंसर विल बी ए फॉल इन टू ओल्ड हेल शैफ्ट। हु रन्स द सर्कस, सर्कस को कौन चलाता है? आंसर होगा सिलियरी।
अबाउट हाउ मच मनी इज स्टोलन फ्रॉम द बैंक। दोस्तों बैंक से जो टोटल मनी है वो कितनी चुराई जाती है, तो आंसर होगा 150 पाउंड्स। विच करेक्टर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो करेक्टर है दोस्तों वो कौन होगा, तो आंसर होगा ग्रेट ग्रिंड। वट इज बाउंडर बाई सन्स नेम, जो बाउंडर बाई का जो पुत्र है उसका सन का दोस्तों क्या नाम होगा, तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही हैज नो सन, ही हैज ओनली डॉटर, और जिसका नाम था लोशिया। क्या नाम था? लूशिया बाउंडर बाई। 15 आपका होगा, इन विच सिटी डज मोस्ट ऑफ द नोवल टेक प्लेस, कौन से शहर में जो पूरा जो नोवल है वो कंप्लीट रूप से तैयार किया गया, तो कॉकटाउन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम व्हाट डज मिस्टर स्पारशिट इमेजाइन लूशिया फॉलिंग, यानी क्या इमेजिन करता कि जो मिसेज स्पार्सिट है वो किस चीज़ में मतलब लूशिया को डाल रही है। तो दोस्तों योर आंसर विल बी, इफ़ यू चूजन ऑप्शन नंबर बी स्टेयरकेस, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। हु इज द फर्स्ट करेक्टर टू स्पीक इन द नोवल, नोवल में पहला करेक्टर बोलने वाला कौन है, तो 17 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ग्रिंड। वाई स्टेफन अनेबल टू मैरी रैकियल, रैकियल से जो स्टेफन है मैरी करने में क्यों अनेबल होता है, तो आंसर होगा ही इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि वो पहले ही शादी कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू द पुअर कोकटाउन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, वो किस प्रकार से अटेम्प्ट करता है जो पुअर ऑफ कोकटाउन के पुअर उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाई फॉर्मिंग ए यूनियन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वॉट इज द नेम ऑफ मिसिज स्पैरसिट एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स, मिसिज स्पैरसिट के एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स के दोस्तों क्या नाम है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, अब ने चुना है दी लेडी स्केडेजर्स, लेडी स्केजर्स, तो दोस्तों आपका आंसर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 21 की तरफ चलेंगे, व्हाट डज द ग्रेट ग्रिंड्स होप टॉम विल बी एबल टू डू आफ्टर स्टेफन्स डेथ, यानी उसकी क्या होप है कि वह जो है टॉम क्या करने में सक्षम रहेगा उसकी मृत्यु के बाद में, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केप इंग्लैंड। व्हाट इज द बीजर्स डिफाइनिंग करेक्टर, दोस्तों व्हाट इज द बीजर्स डिफाइनिंग करेक्टर, तो हिज पेल स्किन, हिज फेशियल स्कैर, हिज लिम्प, हिज रेड हेयर, तो आंसर होगा हिज पेल स्किन ऑप्शन नंबर ए। थर्ड 23 की बात करेंगे, वेयर डिज लूसिया फ्ली आफ्टर हार्थ हाउस डिक्लेरेशन ऑफ लव, यानी हार्थ हाउस के डिक्लेरेशन ऑफ लव के बाद में वो कहाँ पर जो है भाग जाती है, कहाँ पर फरार हो जाती है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर फादर्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, व्हाट आर द सिसिस फादर्स फर्स्ट वर्ड्स आफ्टर ही रिटर्न्स टू हिज डॉटर, सिसिस के फादर के क्या शब्द होते हैं उसके जो है, तो सबसे पहले तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही नेवर रिटर्न्स, क्योंकि वो कभी भी रिटर्न नहीं होती है, तो इसलिए वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। 25, व्हाट मोटिवेट्स हार्थ हाउस टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट ग्रीन्स पॉलिटिकल डिसिपल्स, यानी ग्रेट ग्रीन का पॉलिटिकल डिसिपल बनने के लिए हार्थ हाउस को क्या मोटिवेट्स करता है, तो ही बिलीव्स इन ग्रेट ग्रीन्स फिलॉसफी ऑफ फैक्ट बेडरूम और द डिजायर ऑफ वेल्थ ऑफ प्राइड, तो इफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी बोर्डम, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नए कंटेंट से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।